Hey guys, welcome back to our channel Sharma Ji Ka Beta Imbibe Complex Concepts. Let's go to the class. Hi sir. Hi Nora. Sir, ITC और VAT क्या होता है? ITC और VAT को समझने से पहले ये एनिमेशन क्लिप देखते हैं। एक रिटेलर शॉपकीपर एक होलसेलर शॉपकीपर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए 1+7 का। होलसेलर कहता है कि ठीक है, उसका प्राइस 30,000 है प्लस उस पर 10% टैक्स लगेगा। रिटेलर शॉपकीपर कहता है ठीक है। होलसेलर कहता है कि आप ये इनवॉइस चेक कर लो और वो इनवॉइस दिखाता है। इनवॉइस में वो 30,000 का प्राइस चार्ज करता है प्लस उस पर 3,000 का टैक्स चार्ज करता है 10% के रेट से। रिटेलर शॉपकीपर उसको 33,000 पेमेंट करता है और मोबाइल ले लेता है। अब अगली क्लिप देखते हैं। इस क्लिप में आप ये देखो, मोदी जी उस रिटेलर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया आपके पास 1+7 मोबाइल है क्या, तो देना। रिटेलर शॉपकीपर कहता है हाँ मोदी जी, आपको सिर्फ 39,600 में पड़ेगा, सिर्फ 3,000 का प्रॉफिट लगा रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं अरे भाई मजाक कर रहे हो क्या, दूसरी दुकान पर तो 36,300 का है, आपने ये प्राइस कैसे निकाला, प्लीज जरा मुझे बताओ। रिटेलर शॉपकीपर कहता है हाँ मोदी जी, आप मेरी कैलकुलेशन देखिए। और वो मोदी जी को कैलकुलेशन दिखाता है। वो बताता है कि कॉस्ट 30,000 की पड़ी है, उस पर मैंने 3,000 का टैक्स पेमेंट किया है, मैंने अपना प्रॉफिट 3,000 जोड़ा है, इस तरह से टोटल 36,000 का बना और उस पर मैंने फिर 10% टैक्स चार्ज किया है 3,600, तो इस तरह से टोटल प्राइस 39,600 का आया है। मोदी जी कहते हैं अरे आप तो टैक्स कैस्केडिंग कर रहे हो, लगता है कांग्रेस ने आपको वैट का कॉन्सेप्ट बताया नहीं है। नोरा, आपको पता है टैक्स कैस्केडिंग क्या होता है? नहीं सर। कोई बात नहीं, अब मैं आपको टैक्स कैस्केडिंग वैट और ITC बताता हूँ। आप स्क्रीन पर देखो, हमारे एग्जाम्पल में दुकानदार ने जब मोबाइल खरीदा तब 3,000 का टैक्स पेमेंट किया है, करेक्ट? यस सर। और उसको उसने अपने टोटल कॉस्ट का पार्ट बना लिया है, करेक्ट? यस सर। और वे जब मोदी जी को मोबाइल के प्राइस की कैलकुलेशन बता रहा है तो इस टोटल पर 10% टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, करेक्ट? यस सर। तो इसका मतलब जो टैक्स उसने ऑलरेडी पे किया है उसके ऊपर दोबारा से 10% टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। यस सर। इसी टैक्स पर टैक्स लगाने को टैक्स कैस्केडिंग कहते हैं। टैक्स पर टैक्स लगाने से सामान महंगा हो जाता है और कंज्यूमर को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। आप इससे एग्री करते हो? यस सर। तो टैक्स पर टैक्स लगाना एक समस्या थी, इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको वैट कहा जाता है। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, पहला वैल्यू एडिड यानी वैल्यू एडिशन बाय समवन और दूसरा टैक्स। तो जो सिस्टम सिर्फ हर स्टेज पर हुई वैल्यू एडिशन पर टैक्स की बात करता है उसको वैट कहते हैं। आप बताओ हमारे एग्जांपल में रिटेलर दुकानदार ने कितना वैल्यू एडिशन किया? 3,000। बिल्कुल सही। तो वैट कॉन्सेप्ट से उसे सिर्फ 3,000 पर टैक्स लगाना चाहिए, करेक्ट? यस सर। अब आप ये कैलकुलेशन देखो, अगर वे सिर्फ 3,000 पर टैक्स लगाए तो टोटल टैक्स कितना बनेगा? 300 रुपए, राइट? यस सर। और अगर 300 रुपए वो अपनी टोटल कॉस्ट में ऐड करता है तो मोबाइल का टोटल प्राइस कितना बन जाएगा? 36,300, करेक्ट। और मोदी जी भी उसको यही कह रहे थे कि जो दूसरा दुकानदार है वो 36,300 चार्ज कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इनवॉइस ऐसे नहीं बनती है। प्रैक्टिकल लाइफ में इनवॉइस कैसे बनती है? जो ये दुकानदार है ये प्राइस कैसे दिखाएगा? ये प्राइस दिखाने के लिए जो इसकी कॉस्ट 30,000 प्लस उसके ऊपर जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है यानी वैल्यू एडिशन है उसको जोड़कर ये प्राइस दिखाएगा 33,000 और फिर इसके ऊपर 10% टैक्स कैलकुलेट करेगा तो टोटल प्राइस 36,300 आ जाएगा। क्या ये दुकानदार गवर्नमेंट को 3,300 का टैक्स पे करेगा? नहीं, अगर दुकानदार 3,300 का टैक्स पे करेगा तो उसको तो प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। आप इस कैलकुलेशन को देखो, दुकानदार ने टोटल प्राइस कितना चार्ज किया? 36,300, राइट? यस सर। उसने होलसेलर को कितनी पेमेंट कर दी है? 33,000। बैलेंस कितना बच गया? 3,300। अगर ये गवर्नमेंट को पूरा 3,300 पे कर देगा तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। यस सर। इसी समस्या के समाधान के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम ITC कहते हैं। ITC की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जब भी कोई दुकानदार कोई सामान खरीदेगा और उस सामान पर जो टैक्स पे करेगा उसको गवर्नमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, यानी मानेगी कि इतना पैसा ऑलरेडी उस दुकानदार के अकाउंट में जमा हो चुका है और बाद में ये दुकानदार जब वैल्यू एडिशन करके सामान बेचेगा तो टैक्स पूरे अमाउंट पर यानी कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिशन पर कैलकुलेट करेगा, लेकिन पेमेंट करते हुए जो अमाउंट उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट में पड़ा है उसको रिड्यूस करके सिर्फ बैलेंस अमाउंट पे करेगा और जो टैक्स दुकानदार ने सामान खरीदने के टाइम पर दिया है उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। अब
मैं आपको इसी एग्जांपल से वैट और आईटीसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप ये देखिए, हमने अपने एग्जांपल में होलसेलर को लिया था, रिटेलर को लिया था और मोदी जी को एज ए फाइनल कंज्यूमर लिया था। जब ये रिटेलर होलसेलर के पास मोबाइल खरीदने जाता है तो होलसेलर उससे 30,000 का प्राइस चार्ज करता है प्लस 3,000 का टैक्स चार्ज करता है और रिटेलर उसको टोटल 33,000 की पेमेंट करता है, करेक्ट? यस सर। अब इस 33,000 में से होलसेलर 30,000 तो अपने पास रख लेगा, लेकिन ये जो 3,000 उसने टैक्स का चार्ज किया है इसको गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा और गवर्नमेंट अपने अकाउंट में लिख लेगी कि उसने रिटेलर के अकाउंट पर ये 3,000 रुपए रिसीव किए हैं। रिटेलर अपनी बुक्स में लिख लेगा कि गवर्नमेंट के पास उसका 3,000 रुपया पड़ा है। अब ये जब मोदी जी को बेचेगा फोन तो कैसे बेचेगा इसको देखते हैं। मोदी जी को ये 30,000 के कॉस्ट पर अपना 3,000 का वैल्यू एडिशन चार्ज करेगा तो टोटल 33,000 हो जाएगा और इस 33,000 के ऊपर वो 10% टैक्स लगाएगा और इस तरह से टोटल वे मोदी जी से 36,300 रुपए लेगा। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या वे 3,300 गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, मैंने आपको बोला नहीं। अब देखते हैं कि ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा। इसने अपने इनवॉइस में कितना टैक्स लगाया, 3,300। गवर्नमेंट के पास उसके अकाउंट में ऑलरेडी कितना टैक्स जमा है, 3,000, राइट? यस सर। तो इस 3,000 को ये जो टोटल टैक्स इसने इनवॉइस में लगाया है उसमें से रिड्यूस करेगा और जो बैलेंस अमाउंट है 300 का यही गवर्नमेंट को पे करेगा, राइट? यस। हमारा वैल्यू एडिड टैक्सेशन का क्या कॉन्सेप्ट था कि जो इसने वैल्यू एडिशन किया है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। हमारे रिटेलर ने टोटल वैल्यू एडिशन कितना किया है, 3,000, राइट? यस। 3,000 के ऊपर 10% कितना बनता है, 300, करेक्ट? इसने गवर्नमेंट को कितना पे किया, 300, करेक्ट? तो ये आपको क्लियर होगा कि वैल्यू एडिड टैक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो वैल्यू एडिशन इसने करी है सिर्फ उसके ऊपर ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और जो पैसा इसने अपने से पहले यानी होलसेलर को टैक्स के रूप में दिया है वह पैसा होलसेलर गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा और गवर्नमेंट उसको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट समझेगी। अब हम ये देखते हैं कि रिटेलर को टोटल प्रॉफिट कितना होता है, राइट? यस सर। रिटेलर ने टोटल पैसा कितना रिसीव किया, 36,300, राइट? उसने गवर्नमेंट को कितना पे किया, 300, राइट? होलसेलर को कितनी पेमेंट करी थी, 33,000। तो टोटल पेमेंट रिटेलर ने कितनी कर दी है, 33,300, राइट? अब आप ये 36,300 में से 33,300 घटाओगे तो कितना बच जाएगा रिटेलर के पास, 3,000। रिटेलर को कितना वैल्यू एडिशन करना था, 3,000, तो उसके पास उतना ही पैसा बच गया, राइट? Yes. जो फाइनल कंज्यूमर है इसको देखते हैं कि कितना कॉस्ट किया ये मोबाइल। जो फाइनल कंज्यूमर है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, तो इसको कोई भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसीलिए कंज्यूमर को ये मोबाइल 36,300 की कॉस्टिंग करेगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स कैस्केडिंग, वैट और आईटीसी आपको क्लियर हो गया। यस सर। हम अगले सेशन में वैट और आईटीसी जीएसटी के साथ कैसे काम करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके सर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय नोरा। बाय सर। हे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय।